नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी सभी को डाउट्स है कि एसआई भर्ती होगी या नहीं, और होगी तो कौन से प्रोसीजर से होगी उसका एग्ज़ाम। क्या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो तीन लेवल में होगी, कंप्यूटर बेस्ड, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू और फिज़िकल, या फिर जो रमन सरकार ने जो अलग से पैटर्न निकाला था कि 5:40 में आपको रनिंग करनी है, उसके बाद सीधा दो पेपर देना है आपको, किसका, रिटर्न का, उसके बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो पुराना पैटर्न से एग्ज़ाम होता है तो हम मान के चलेंगे क्या 5:40 में आपको 1500 मीटर को क्या करना है, कंप्लीट करना है और दो पेपर देना है, ठीक, एक जनरल स्टडीज़ का और एक लैंग्वेज का, अगर पिछले पैटर्न में देखें। लेकिन हमें पिछले पैटर्न को मान ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, आपको पता है, सीजी पुलिस के साइट में जाएंगे तो सबसे लेटेस्ट में यही दिखाएगा राजपत्र का। इसमें साफ साफ लिखा था कि फिजिकल जो होगा 5 इवेंट में होगा और रिटर्न एग्ज़ाम पहले कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद होगा क्या आपका मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू। तो हम लोग इसी को सही मानकर चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में क्या होगी चयन प्रक्रिया, योग्यता क्या होगी, प्रारंभिक व लिखित परीक्षा कैसे की जाएगी, और सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। मैंने इसमें इस वीडियो में आप YouTube में देखेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे कि सभी में बोलेंगे एसआई का एग्ज़ाम होगा, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। लेकिन फिजिकल को करना कैसे है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, तो वीडियो की स्किप मत करना, आप ही के लिए यूज़फुल है, ठीक। लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने पूरे YouTube को खंगाल कर ऐसे जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पे पकड़ के लाया हूँ, जिसमें बिल्कुल भी आपको किसी तरह का कॉस्ट नहीं पड़ेगा और किसी भी तरह से और मेहनत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, एकदम आसान सी है, जिससे आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए पारी पारी देखते जाते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। अगर राजपत्र में प्रकाशित जो किया गया है उस हिसाब से होगा, तो सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, आपका जीएस, करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ के सभी पोर्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और याद रखिए, इसमें 15 गुना विद्यार्थी को ही मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, केवल 15 गुना को, ठीक है। पहला स्टेज हो गया। अब सेकंड में देखिए, आ जाइए मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें जो भी एएसआई, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर, ये सारे पोस्ट है, इसमें आपको हिंदी तथा अंग्रेजी में दक्षता परीक्षा देनी पड़ेगी, जो 300 अंकों की होगी, ठीक है। जिसमें 200 हिंदी के होंगे, 200 अंक के क्वेश्चन और अंग्रेजी के 100 अंक के क्वेश्चन होंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइमिंग मिलेगा 2 घंटा। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में मिलेगा आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़, इसमें आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल हो जाएगा। ये होगा आपका 300 अंकों का, इसमें भी आपको 2 घंटे की अवधि मिलेगी। और ये थर्ड पेपर उन लोगों के लिए हैं जो लोग उपनिरीक्षक, रेडियो या फिर प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए आवेदन किया गया हो। तो याद रखिए, ये दोनों कॉमन पेपर सभी के लिए हैं, और ये दोनों पेपर अलग से जो इन पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं। वैसे ही देखिए, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा जो है, उपनिरीक्षक कंप्यूटर, ठीक है, जो टेलीकॉम वाले सब इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए है, तो उन्हें भी यहाँ पे 300 अंकों का क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। यानी जो कंप्यूटर निरीक्षक है उनको 4 पेपर देना पड़ेगा, ठीक, और जो नॉर्मल एएसआई और प्लाटून कमांडर है उनको 2 पेपर देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज की, एक जनरल स्टडीज़ की। और यहाँ से अगर आप यहाँ से पेपर पास कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कितना, 5 गुना विद्यार्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना को फिजिकल के लिए। तो देखिए, फिजिकल में आपको 5 इवेंट होना है, 1500 मीटर का दौड़, 100 मीटर का दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। तो मैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको 1500 मीटर के दौड़ को बताता हूँ। अगर आप 5 मिनट 50 सेकंड में या फिर इससे ज़्यादा समय में 1500 मीटर की दौड़ को पूरा करते हैं, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए इस साइड का क्या है, मेन के लिए है और इस साइड का वुमेन के लिए है। तो सबसे पहले देखिए, अगर 5 मिनट में आप 1500 मीटर को कंप्लीट करते हैं, तो आपको 60 नंबर मिलेगा,
वैसे देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते जाएंगे तो अलग अलग नंबर डिवाइडेड है, वैसे ही 6 मिनट में आप जो लड़कियाँ हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 6 मिनट में कंप्लीट करेंगी 1500 मीटर को, तो उन्हें 60 नंबर पूरे में पूरे नंबर मिलेगा। और रनिंग कैसे करना है उसको मैं आगे अच्छे से बताऊंगा वीडियो में, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है। अब 100 मीटर की बात करते हैं, तो 100 मीटर में मेल और फीमेल देखते हैं, तो 100 मीटर में 12.5 सेकेंड या इससे कम टाइमिंग लेंगे लड़के लोग तो उन्हें फुल नंबर मिलेगा 60 नंबर। वहीं 100 मीटर को फीमेल लोग 14.5 सेकेंड या इससे कम लेंगे तो उन्हें 60 नंबर मिलेगा, और बाकी ज़्यादा टाइमिंग लेने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तालिका में नंबर कम होते जाएंगे। अब आ गई लंबी कूद। देखिए लंबी कूद में अगर आप 19 फीट मतलब कि 5.79 फीट जंप करते हैं कौन पुरुष अभ्यर्थी, तो उन्हें पूरे 60 नंबर मिलेंगे जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वहीं महिला अभ्यर्थी में देखेंगे तो 15 फीट आपको 4.57 मीटर जंप करना है जिसमें आपको 60 नंबर्स मिलेंगे। इसकी एक्सरसाइज कैसे करना है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात याद रखिए, 3 प्रयास मिलता है, लेकिन अभी जो कांस्टेबल का फिर से फिजिकल हुआ है उसमें केवल 2 प्रयास दिया गया था, तो आप यहाँ पे दो दो चांस मिलेगा मान के चलिए, 3 चांस यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि रमन सरकार अलग पैटर्न से ले रही थी और यहाँ पे भूपेश सरकार अलग पैटर्न से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो देखिए ऊंची कूद की बात करते हैं, ऊंची कूद में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 फीट 10 इंच अगर जंप करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। वही फीमेल में अगर 3 फीट 10 इंच जंप करते हैं तो आपको भी 60 नंबर मिलेगा, और कम इधर करते जाएंगे तो आपके मार्क्स घटते जाएंगे। अगर 4 फीट से अगर 4 फीट ही कूदते हैं, 4 फीट ही जंप करते हैं ऊंची कूद, तो वहाँ पे आपको 0 मिलेगा। वहीं 3 फीट में महिलाओं को भी 0, तो यहाँ भी 2 प्रयास मिल रहा है, 3 प्रयास नहीं मिल रहा है। और देखिए गोला फेंक, गोला फेंक की बात करते हैं, तो देखिए गोला फेंक में आप 9 मीटर या फिर इससे अधिक फेंकते हैं कौन मेल, तो आपको टोटल फुल मार्क्स मिलेगा 60 नंबर। वही महिला में जो 8 पाउंड का रहता है उसको फेंकते हैं 9 मीटर या इससे अधिक तो 60 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ लड़के लोग 16 पाउंड के क्या करते हैं गोला को फेंकते हैं। ठीक, इसके एक्सरसाइज कैसे करना है देखिए आगे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज करना है आपको। जब एक प्लॉयमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसका सबसे बड़ा फायदा हैम स्ट्रिंग मसल्स को होता है। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 100% रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज है। हर्डल हॉप्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के बैरियर्स उपलब्ध नहीं है तो बराबर हाइट की चेयर्स या कुछ ऐसी वस्तु रखें जिससे आप हर्डल हॉप आसानी से कर सकें। 10 से 15 दिन हर्डल हॉप करने से आपके जंप में 100% इम्प्रूवमेंट होगा और हाई जंप आसानी से कर पाओगे। हर्डल हॉप्स की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 हर्डल्स एक लाइन में होना चाहिए और हर्डल बैरियर्स की ऊंचाई शुरुआत में 1.5 फुट और 2 से 7 दिन के अभ्यास के बाद हर्डल की ऊंचाई 2 फुट से 2.5 फुट तक रखें। कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस का भी फायदा होगा। यहाँ स्क्रीन पर बताई गई एक्सरसाइज सिंगल लेग हॉप्स एक्सरसाइज है। हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए भी किया जा सकता है, यह एक्सरसाइज सुबह शाम ज़्यादा फायदेमंद है। सिंगल लेग हॉप्स के 5 से 10 रैप्स के 3 से 5 सेट जरूर करें। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये लेटरल जंप एक्सरसाइज है, देखने में बहुत ही सिंपल पर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। शुरुआत में लेटरल जंप करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट न रखें, जब लेटरल जंप की प्रैक्टिस हो जाए तब आप ऑब्जेक्ट या वस्तु रख कर उसके ऊपर लेटरल जंप करें। यहाँ है हम, तो हमने जंप किया राइट साइड में, राइट साइड में तो ये लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, नी बैंड करनी है अपोजिट हाथ से, टो टच करेंगे, ये है ये टो टच। एक चीज़ का ध्यान रखना, हम जब लेग उठा रहे हैं तो हमारे हाथ अपोजिट होगा, एक तो जैसे हमने राइट लेग ऊपर की तो लेफ्ट हैंड से टो टच, ये और दूसरा हमें जंप करके टच करना है, ये नहीं है कि खड़े खड़े ये कर रहे हैं, ये नहीं, जंप करके ये कंटिन्यू, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से पैर को लेचरली ग्राउंड में रोज़ प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखिए ऐसे आपको जंप करना है। ठीक, इससे क्या होगा
आपको जो जंप प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी बिल्कुल भी। तो आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। ओके वन आर्म केटल बेल फ्लोर प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है शॉर्ट पुट गोला फेंक तैयारी करने वालों के लिए अनिवार्य मानी गई है। यह एक्सरसाइज हाथों की कलाइयों शोल्डर्स और हाथों की हथेलियों अंगुलियों में इतनी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है कि 16 पाउंड का गोला आसानी से 30 फुट से अधिक दूरी तक फेंक सकते हैं। वन आर्म केटल बेल एक्सरसाइज का यह अलग टाइप है जिसे वन आर्म डंबेल या केटल बेल रो कहा जाता है। यहाँ स्क्रीन पर देखें और ऐसा पोज बनाते हुए वन आर्म डंबेल एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज को भी 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू करें एवं 2 से 3 सेट्स एक बार में करें। केटल बेल बॉटम अप प्रेस एक ग्रेट एक्सरसाइज है जो शोल्डर्स हाथों की हथेलियों अंगुलियों में स्ट्रेंथ मोबिलिटी और शॉर्ट पुट थ्रो कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। वेट अप डाउन करने पर अपर बॉडी स्पेशली एल्बोज शोल्डर्स में इतनी ताकत बढ़ सकती है कि आप किसी पेड़ या पाइप को पकड़कर 10 मिनट या इससे अधिक समय तक एक हाथ से लटक सकते हैं। इस बार हैंगिंग एक्सरसाइज शॉर्ट पुट गोला फेंक की तैयारी करने वालों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, केवल पुल अप बार पर लटकना होता है। पुल अप बार उपलब्ध नहीं है तो घर में रैक्स होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इसी मसल्स में बढ़ती है। इसके अतिरिक्त बाइसेप्स एब्डोमिनल एवं हाइट बढ़ाने। फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज कौन कौन से करने हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद याद रखिए जो 100 मीटर है और 1500 मीटर है उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए आपको हर हाल में रोज़ पढ़ाई करनी है रिटर्न एग्ज़ाम की, ठीक। कौन कौन सी बुक पढ़नी है क्या पढ़नी है उसका अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। वीडियो क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप लोग स्किप कर जाते हैं। तो देखिए 1500 मीटर के लिए आपको रोज़ मॉर्निंग में 1 आवर या फिर शाम में रनिंग करनी है। रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप करना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं का नस वगैरह खींच जाएगा क्योंकि मेरा ऐसा हो चुका है। तो देखिए आपको 1500 मीटर का पहले रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको, ठीक है। इसको कम किसी भी हाल में नहीं करना है, रोज़ 5 किलोमीटर आपको हर हाल में रनिंग करनी है, तभी आपका स्टेमिना जो है 1500 मीटर के लिए बन पाएगा। और वहीं 100 मीटर के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप में प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छे से होगा। रोज़ भीगे हुए काले चने खाएं, ठीक है, ऑयली चीज़ों से दूर रहें और रोज़ 2 केला खाएं, पानी फुल क्वांटिटी में पिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो क्योंकि गर्मी का दिन है। और फ्रेंड्स कभी भी हो सकती है इसका क्या फिजिकल, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अभी देख रहे हैं आप अभी हाल ही में कांस्टेबल आरक्षक का जो क्या हुआ है रिज़ल्ट आया है, ठीक है, उसका फिजिकल बहुत ही जल्दी हुआ, मतलब यूँ नहीं कहना चाहिए लेट में हुआ, लेकिन जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत जल्दी करा दिए कंप्लीट। सो अगर आप उसमें क्या बोलते हैं फिजिकल में, फिजिकल होगा टोटल होगा आपका फिजिकल होगा कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का, ठीक है। उसमें आपको 30% लाना है, 30% नहीं ला पाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके 300 का 30% लाना है, ठीक, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। यहाँ पे हम लोग राजपत्र प्रकाशित है उस न्यूज़ को मान के चलते हैं, ठीक, यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो याद रखिए राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, उसी को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।